जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ब्राइट के मास्टर। और आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको रांची का सबसे बेस्ट लाइब्रेरी के बारे में बताने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी जाके स्टडी करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं कि मैं लाइब्रेरी जाके स्टडी करूँगा, तो उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा साबित होगा उसके लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएंगे इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेट लाइब्रेरी का, जो कि मेन रोड में स्थित है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि मेन रोड में कहाँ पर स्थित है स्टेट लाइब्रेरी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं जो स्टेट लाइब्रेरी है वो मेन रोड में कहाँ पे स्थित है। तो जो स्टेट लाइब्रेरी है रांची का सबसे बेस्ट लाइब्रेरी में इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर जो स्टेट लाइब्रेरी है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर किसी प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं सभी प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर जाके स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ बॉयज़ ही नहीं, यहाँ पर गर्ल्स भी जाके स्टडी कर सकती है और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा आपको स्टेट लाइब्रेरी में। और सभी प्रकार का जो फैसिलिटी है स्टेट लाइब्रेरी में आपको दिया जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप इंटर करेंगे स्टेट लाइब्रेरी में, तो आपको दोनों साइड आपको फूल लगे हुए दिखेंगे, पेड़ पौधे होंगे और वहाँ पर शुद्ध वातावरण मिलेगा और एक शांत माहौल मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। और जो भी स्टूडेंट किसी भी साइकिल या बाईसाइकिल से जाते हैं तो उसे पार करने के लिए भी स्थान दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट्स लंच ले जाते हैं, लंच करने के लिए बॉयज़ के लिए अलग सेपरेटली दिया गया है रूम, गर्ल्स के लिए अलग से रूम दिया गया है। और जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग बिल्डिंग बनाया है गया है, बॉयज़ अपना अलग बिल्डिंग में स्टडी करते हैं, गर्ल्स अपना अलग बिल्डिंग में स्टडी करते हैं। सभी प्रकार का जो फैसिलिटी है स्टेट लाइब्रेरी में दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे जो प्राइवेट लाइब्रेरी है वो बेस्ट लाइब्रेरी है, क्योंकि वहाँ पर हर एक प्रकार का सुविधा दिया जाता है। तो भाई, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर जो सुविधा मिल रही है वो देखा जाए तो कहीं पर भी इतना सुविधा नहीं दिया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी सुविधा है, जो भी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाके स्टडी करना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं। बहुत तरह का सुविधा दिया गया है, सभी प्रकार का जो सुविधा है स्टेट लाइब्रेरी में दिया गया है। कुछ नियम है स्टेट लाइब्रेरी में जाके आपको स्टडी करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। जैसे ही आप स्टेट लाइब्रेरी पहुँचेंगे और इंटर करने से पहले आपको रजिस्टर रखा हुआ है, वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, किस टाइप पे आप इंटर कर रहे हैं वो लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने का स्थान बना हुआ है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर आती है, वहाँ पर आप बैठ के पढ़ सकते हैं, तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे स्टेट लाइब्रेरी के अंदर, तो ये दो फ्लोर में बटा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर और उसके बाद एक नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है। टोटल सीटें की बात करें कितना सीट है यहाँ पर, बॉयज़ के लिए सिर्फ 500 प्लस सीटें सिर्फ बॉयज़ के लिए यहाँ पर है और गर्ल्स के लिए भी 500 प्लस सीटें हैं। एक बार में जो स्टूडेंट्स की बात करें तो 500 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर बैठ के स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स अलग। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद सेकेंड फ्लोर है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारा जो वीडियो है उसे देख के स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाएंगे। और मैं एक बात आपको बतलाना भूल गया कि आपको वहाँ पर बुक भी दिया जाएगा, उसके लिए आपको कार्ड बनवाना होगा। कार्ड बनवा के आप बुक इशू कर सकते हैं और वहाँ पर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम का कोई भी बुक आप लेंगे तो वहाँ पर आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। आपको घर लाने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। और बहुत सारे बुक है उसे आप इशू करते हैं तो आपको घर लाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए। किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टेट लाइब्रेरी के
रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।